भावनाएं भी गजब की चीज है, खासकर मुसलमानों की। इनकी भावना पता नहीं कब कहां किस बात पर आहत हो जाए। अब बुर्का बैन श्रीलंका में हुआ और भावना आहत पाकिस्तान की हो गई। श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत साद खट्टक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्रीलंका में बुर्का प्रतिबंध से आम मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावना आहत होगी। हालांकि इनकी भावना पिछले महीने आहत नहीं हुई थी, जब बोको हराम के आतंकवादियों ने एक स्कूल की 300 से अधिक लड़कियों का अपहरण कर लिया था। शायद उस समय इनकी भावना घास चरने गई थी, अब लौटी तो पता चला कि लंका में बुर्का बैन हो गया तो फटाफट आहत हो गई। नमस्कार दोस्तों, रंगदे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आपने एक खबर तो कई दिन से कई बार सुनी होगी कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका की सुरक्षा के मद्देनजर बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा मदरसों व इस्लामिक स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री शरत वीरशेखरा ने बढ़ते कट्टरपंथ की निशानी बताते हुए इस फैसले की जरूरत बताया है। इस खबर के बाद सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो काम भारत सरकार अपने यहाँ करीब 100 से अधिक दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद जैसी जगहों पर हुए बम विस्फोट जिनमें हजारों लोग मारे गए नहीं कर सकी, वही काम श्रीलंका सरकार ने ईस्टर पर एक चर्च में हुए बम धमाके के बाद कर डाला। दरअसल श्रीलंका में बुर्का और मदरसा बैन की पूरी कहानी के पीछे जाए तो एक नाम निकल कर आता है, और ये नाम है एक बौद्ध भिक्षु अतुरालिये रत्नाथिरो। इसे श्रीलंका का विरातु भी कहा जाता है। जिस समय यानी साल 2019 में श्रीलंका में चर्च में बम विस्फोट हुआ, तो उसके बाद अतुरालिये रत्नाथिरो का नाम पूरी लंका समेत विश्व भर की मीडिया में छा गया था। कारण, रत्नाथिरो एक अनशन पर बैठ गए थे। इस अनशन की मांग थी कि श्रीलंका में 11 मुस्लिम राजनेताओं का अपने पदों से इस्तीफा। खैर, रत्नाथिरो का अनशन रंग लाया और 9 कैबिनेट, जूनियर मंत्री और 2 राज्यों के गवर्नर जो मुसलमान थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बौद्ध भिक्षु कमाल के होते हैं, जिद पर अड़ जाए तो अडिग हो जाते हैं। म्यांमार में आसीन विरातु की जिद के कारण लाखों रोहिंग्याओं को बर्मा छोड़कर भागना पड़ा। थाईलैंड में मुसलमानों को घुटनों के बल लाया गया। श्रीलंका में बुर्का बैन और मदरसे बैन हो गए। दरअसल जापान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के बौद्ध अलग हैं। उन्हें अपना इतिहास याद है। उन्हें याद है नालंदा में उनकी पूरी मेहनत और लगन से संचित किया गया इतिहास और धर्मशास्त्र बख्तियार खिलजी ने जलाए थे। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु का कत्ल किया गया था। उन्हें याद है इस्लामिक युग से पहले अफगानिस्तान के हिंदू कश पर्वतमाला क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक शक्तियों में से यदि कोई ताकतवर था तो वह था बौद्ध साम्राज्य। लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के आगमन के साथ लुप्त होना शुरू हो गया और अंत में 11वीं शताब्दी में गजनवी शासन के दौरान समाप्त हो गया। जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बची रह गई थी उन्हें तालिबानियों ने ध्वस्त कर डाला। उन्हें याद है कनिष्क ने पूरे उत्साह से कश्मीर में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किया, जहां से मध्य पूर्व, चीन, कोरिया, जापान में फैला बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। ह्वेनसांग के शासनकाल में कश्मीर में 500 बौद्ध विद्वानों के होने का जिक्र किया गया है, जिसमें वशुमित्र भी शामिल थे। लेकिन कुछ समय बाद आ गए अरबी लुटेरे और कश्मीर से भी बौद्ध मत का सफाया कर डाला। आरंभ में सुल्तान सहिष्णु रहे, लेकिन इनकी संख्या बढ़ते ही इनकी मजहबी सनक सुल्तान सिकंदर के समय अपने पूरे चरम पर पहुंच गई। इसलिए बर्मा, जापान, श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को डर है और बौद्धों के अंदर ये डर इतिहास का दिया हुआ डर है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मन ही मन ये चिंता सता रही है कि मुस्लिमों की आबादी एक दिन उनसे ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उनके अपने देश में उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और उनका देश मुस्लिम बहुल देश बन जाएगा। मध्य एशिया, सिनिचियांग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 7वीं-11वीं शताब्दी में इस्लाम के आने से पहले बौद्ध बहुल आबादी वाले देश रहे थे। उन्हें याद है जब मुस्लिम तुर्की काराखनिदस ने 1006 में सिनिचियांग के खोतान शहर पर कब्जा किया, तो उनके कवि ने कविता रची थी जो कुछ इस तरह थी कि हम एक बाढ़ की तरह आए, उनके शहर बहा ले गए, हमने उनकी मूर्तियाँ मंदिर तोड़ दिए और महात्मा बुद्ध का अपमान किया। इतिहास और जनसंख्या के आंकड़ों ने बौद्धों में इस्लाम के प्रति एक अजीब डर पैदा किया है। विश्लेषकों की राय है कि इसी डर का नतीजा म्यांमार में नरसंहार, थाईलैंड और श्रीलंका में हिंसा के रूप में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में बौद्ध भिक्षु नहीं है, नहीं, यहाँ तो शायद म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका से भी अधिक हो। लेकिन इन्हें बौद्ध मत के प्रचार से अधिक चिंता है जय भीम जय मीम की एकता की। इन्हें बुद्ध के सिद्धांत से ज़्यादा चिंता है अपनी राजनीति की रोटी की। यही कारण है कि भारत के नवबोध बुद्ध के सिद्धांत बताने के बजाय 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते घूम रहे हैं। इनकी प्रतिज्ञाएं सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि ये बौद्ध भिक्षु की खाल के अंदर कौन लोग हैं।
ये प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में किसी में विश्वास नहीं करूँगा, न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं राम और श्री कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और सब धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। ऐसी ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं लोग दिलाते हैं, जबकि स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा था कि ऐसो धम्मो सनातनो, अर्थात यही सनातन धर्म है। लेकिन आज भारत के नवबोध भिक्षु महात्मा बुद्ध के मार्ग को छोड़कर वामन मेश्राम और मीना आमखेड़े जैसे क्रिप्टो क्रिश्चियन का प्रचार कर रहे हैं और उन्हें अपना कुल देवता माने बैठे हैं। खैर, भारत में शायद ही कोई विराथो जन्म ले या कोई अतुलरीय रत्नाथिरो यहाँ तो इस्लामिक शिक्षा और पहनावे का विरोध करें। हाँ, जिनका अपना जमीर होता है वे ज़रूर विरोध करते हैं, जैसे साल 2016 में भारतीय शूटर हिना सिद्धू ने किया था। इस वर्ष ईरान की राजधानी तेहरान में दिसंबर में एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप होनी थी। ईरान में शरिया कानून के अनुसार सभी महिला खिलाड़ियों को हिजाब पहनना था। उस समय भारतीय शूटर हिना सिद्धू को भी भाग लेना था, लेकिन जैसे ही हिना को बुरके और हिजाब के इस खेल का पता चला तो वो सामने आई और कहा, मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैंने चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। अब श्रीलंका के मंत्री वीरा शेखरा भी यही कह रहे हैं कि इस दौर में देश में मुस्लिम लड़कियों महिलाओं ने कभी बुर्का नहीं पहना। बीते सालों में इसका चलन तेजी से बढ़ा है, इसकी वजह बढ़ता धार्मिक कट्टरपंथ है, लिहाजा इस पर रोक लाजमी है। हालांकि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश बीते दिनों बुरके पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुरका पहनने पर रोक लगाई थी। अब लंका में मदरसे और बुरके बहन से एक बार फिर इनकी भावना आहत होने का रोना पीटना कई दिनों तक सुनाई देगा, लेकिन वहाँ के बौद्ध भिक्षु इस्लाम का इतिहास जानते हैं, इसलिए महात्मा बुद्ध को बचाएंगे, न कि इनकी फर्जी भावना को।